अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आप सब कैसे हैं? हमारी तरफ तो बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो रहा है। सुबह फजर के टाइम तो काली घटा हुई थी और ऐसा लग रहा था बस बारिश हो जाएगी। उफ, पूरे आसमान पे काले बादल थे। लेकिन जब सुबह हुई है तकरीबन समझे 8 बजे का टाइम, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो बहुत मज़े का मौसम हो रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो बस फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि खाना भी तो पकाना है ना भाई। इतने मज़ेदार से मौसम में मज़ेदार सी डिश बनाती हूँ मैं। तो मैंने बनाने थे मुर्ग चने। जी झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़बरदस्त सी। तो ये बनाना शुरू करते हैं, जो खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। हाँ हाँ, इतने मज़े की रेसिपी है भाई ये। तो चने मैंने उबालने रख दिए कुकर में, देख रहे हैं आप साथ ही चूल्हे पे रखे हुए हैं। और इतनी देर में 5 खाने के चमचे तेल मैंने ली है और साथ ही एक प्याज को फ्राई कर लिया है, गोल्डन गोल्डन सा प्याज को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जब ये गोल्डन सी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगे थे मुझे। 5 मिनट के बाद ये चिकन जो है, वो चिकन तो दिमाग में घूम रही है, प्याज फ्राई कर लेंगे। तो अब डालेंगे हम चिकन। आधा किलो तकरीबन मेरे पास चिकन थी, जो चिकन वाले ने चिकन काटी तो इतने बड़े बड़े पीस काट के दिए थे। तो खैर मैंने वही चिकन डाली अच्छे से वॉश करने के बाद, और इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन गोल्डन सा। तो बस चिकन को प्याज के साथ फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। समझे, मैंने डाला था 1 खाने का चम्मच, एक से थोड़ा ज़्यादा ही था मेरे पास फ्रोज़न लहसुन अदरक था जो मैं पीस के फ्रीज कर देती हूँ। तो ये मैंने 3 क्यूब ले लिए थे क्योंकि इसमें थोड़ा लहसुन अदरक अच्छा लगता है। अच्छे से फ्राई हो गए चिकन, और ये वही डाली है मैंने चिकन के साथ टोमेटो प्यूरी। इसमें जाएगी टमाटो प्यूरी, कच्चे टमाटर नहीं जाते, क्योंकि जो फ्लेवर आता है ना टमाटो प्यूरी को, ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी में प्यूरी ही जाती है। और 3 खाने के चमचे दही डाला है। अगर आप चाहें तो कच्चे टमाटर भी डाल सकते हैं कट करके। मैंने टमाटो प्यूरी डाली थी 4 खाने के चमचे और 3 खाने के चमचे दही। टमाटो प्यूरी डाली है तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सारे मसाले डाल दिए और रेडिश रेडिश सा कलर आ गया है। इसको भून लिया दही और टमाटर को, अब मसाले डालेंगे। तो मसाले में नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें ये 3 डाली हैं, और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये डाल के, और थोड़ा सा गरम मसाला। और अगर आपके पास थोड़ा सा कोरमा मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा वो डालें, क्योंकि इसमें कोरमे का जो फ्लेवर आएगा ना, ओहो हो, तबाही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने खाई थी जब ये कहीं एक जगह की, तो रेस्टोरेंट की थी, उसमें कोरमे का फ्लेवर आ रहा था चने में। और ये मैं थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इसमें बड़ा मज़े का कलर आ जाता है, रेडी ट्रेजिश। और थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भून लेंगे, बेसिक से मसाले जाएंगे। टमाटो प्यूरी की वजह से जो फ्लेवर और जो कलर आया ना, और हरा धनिया डाल के मैं हल्की आंच पे, पानी नहीं डालूंगी अब, हल्की आंच पे गला लूंगी चिकन को। तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद मैंने ये देखे खोला है ढक्कन, तो कितना मज़ेदार सा लुक आ रहा है, तेल भी ऊपर आ गया। और ये जो उबले हुए चने थे वो मैंने डाल दिए हैं। पहले हम चने डालेंगे, ये नहीं कि साथ में पानी भी भर दें और चने भी भर दें, नहीं, चनों को पहले मसाले में भूनेंगे ताकि चनों में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। और नमक टेस्ट कर लें, नमक कम ही डाला था मैंने, क्योंकि हमने चना उबालते हुए भी नमक डाला था। और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, वही पानी जो चने में उबालते हुए डाला, क्योंकि उसमें सारा चने का फ्लेवर है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि पूरा ही डाल दें, क्योंकि चने हमारे बिल्कुल हलवा बन जाएंगे वरना। तो बस हमारे भाई ये देखें फाइनल लुक, चने रेडी हैं। तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट हल्की आंच पे छोड़े थे ताकि चना बिल्कुल मज़ेदार सा नरम मुलायम सा बने, टूटे भी नहीं। तो बस हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ सर्व करेंगे, मुर्ग चना रेडी है भाई। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप भी अपने घर में बनाएं और सर्दियाँ इंजॉय करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।